आदाब नमस्कार, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल। वेलकम टू एस के आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके सामने फिर से आ गए हैं एक नए आर्ट ट्रिक के साथ, और ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वेलकम मीना जी। वेलकम डॉक्टर रूपाली। वेलकम रजा खान। वेलकम अर्कू पाठक। वेलकम प्रिया मोहित। ये सभी का हमारे लाइव पे हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए एक बेहतरीन ट्रिक लाए हैं। अगर आप फैब्रिक कलर में वर्क अगर आप करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। वेलकम बिंदु सरदा जी। वेलकम राधा नायर। तो आज हम इसके ऊपर में एक कपड़ा आज फंसाएंगे। ये वाला खैर हम फर्स्ट बार इस्तेमाल हम करेंगे, है ना। लेकिन ये आपके लिए ज़्यादा ही इन फ्यूचर में फायदेमंद है। वेलकम पारुल जी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस कपड़ा को इसके ऊपर हमको लगाना है, क्योंकि हमको थोड़ा सा इसको टाइट करना है। ठीक है, इसको भी टाइट करने में थोड़ी सी हमारे साथ थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि ये वाला हम फर्स्ट बार इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपके लिए ऐसे ऐसे ट्रिक हम लेकर आते रहते हैं ताकि इसको करना होता है टाइट। वेलकम जय श्री जी। वेलकम सरिता जी। ये जो ट्रिक है ना फैब्रिक कलर में, आप सभी लोग करते हैं। और इसमें होता है क्या कि इसमें इस कलर की जो शेडिंग है ना उसको थोड़ा सा करना मुश्किल होता है। तो वही हम शेडिंग के लिए बिल्कुल आसान ट्रिक आपके लिए लाए हैं कि अगर आप किसी साड़ी के ऊपर, चुन्नी के ऊपर या कहीं भी अगर आप वर्क अगर आप करते हैं तो आपके लिए ये फायदेमंद है। ठीक है, इसके ऊपर हम वर्क आपको, और ये इसको ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इसके पीछे हम बताएंगे रीजन। ठीक है, हम तो अक्सर करते हैं क्या कि अगर हमको ऐसा वर्क अगर करना होता है ना तो हम लेते हैं फ्रेम लेते हैं, और उस फ्रेम के बीच में अगर कोई चुन्नी है, कपड़ा है, उसको हम टाइट कर देते हैं। ठीक है, वो लेकिन आप लोग को दिखाने के लिए मैंने एक छोटा सा ये मैंने लिया है कि ताकि हम आपको इसके ऊपर वर्क करके दिखा सके। और ये आपको बताना चाहेंगे कि ये वाला है ना, हम ये फर्स्ट बार यूज हम कर रहे हैं। ठीक है, ये राउंड वाला, इसका नाम तो आपको पता ही होगा। आप लोग थोड़ा सा इसका नाम बता सकते हैं लिखकर प्लीज। तो थोड़ा सा आप लोग इसका नाम बताइए। तो इसका नाम वैसे मैं भूल रहा हूँ, अच्छा सा नाम है। और ये ज़्यादातर ये लड़कियाँ सब यूज करती है। वेलकम सरबजीत जी। वेलकम मीनाक्षी नैयर। मीनाक्षी नैयर, आप बोले थे ना कि फैब्रिक के ऊपर कुछ आर्ट ट्रिक लेकर आइए, तो मीनाक्षी जी आपके कहने पे मैंने ले आया। ठीक है, ये इसको अब इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा रिंग बोलते हैं, नहीं रिंग, हाँ एम्ब्रॉयडरी फ्रेम बोलते हैं, बिल्कुल सही। इसको एम्ब्रॉयडरी फ्रेम भी बोलते हैं, और इसको कुछ ढाका या ऐसा कुछ भी बोलते हैं। टॉपिक ऐसा नहीं है, मैं इस पे थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपने फैब्रिक कलर को मैं अच्छा सा वर्क आप इस पे कर सकते हैं। एम्ब्रॉयडरी भी बोलते हैं, हाँ हाँ आधा बोलते हैं, आधा आधा आधा, ओके ओके, हम इसको ढाका बोल दिए हैं। अलग अलग जगह में अलग अलग इसका नाम है। वेलकम अलका जी। वेलकम
गीता, गीता जी वेलकम, सविता राठी। तो इसको थोड़ा सा ये टाइट करना जरूरी होता है, तो इसको हम सबसे पहले टाइट करेंगे। वेलकम विनीता रंजन जी, सब लोग हमारी थोड़ी सी वीडियो को शेयर आप लोग एक बार कीजिएगा जरूर, ताकि हम आपके लिए ऐसे ऐसे आप पता है हम आपके लिए ऐसे ऐसे आर्ट को ये माइंड को थोड़ा सा जगाते हैं कि आपके लिए नया क्या लेके आए हैं ना, तो वही हम लेकर आते हैं कि अब इसको हम ये करेंगे टाइट। ठीक है, वेलकम पूर्णा जी, वेलकम पूनम जी। तो ये हो गया है टाइट। ओके, ये आप लोगों के लिए मैंने स्पेशल इसको मैंने खरीदा है स्पेशल आप लोग के लिए, कि ताकि आधा बोलते हैं आप लोग को कुछ ट्रिक। अब होता है क्या कि आप कोई फैब्रिक के ऊपर, दुपट्टा के ऊपर, चुन्नी के ऊपर, साड़ी के ऊपर कोई वर्क करते हैं और वो वर्क करते टाइम में होता है क्या कि जो ब्रश हमारा चलता है ना वो रुखड़ा रुखड़ा चलता है, और उसके बाद होता है क्या कि उसमें कोई आप शेडिंग देना चाहते हैं, हल्का कलर अगर आप चलाना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हमने ये इसके लिए फेब्रिक कलर लिया है, फेविक्रिल का। ठीक है, ये आप लोगों के पास होंगे, इसी का एक एक्रिलिक भी आता है, तो आपको अगर कपड़ा पे वर्क करना है तो फैब्रिक कलर यूज करना है। ठीक है, ये फैब्रिक कलर। ओके, ये भी तो इस पे हम फैब्रिक कलर ही यूज करेंगे। वेलकम परवीना जी। ओके, और आप लोग आ गए हैं तो आप लोग के लिए मैंने जो घड़ी बनाया था ये हमारा बिल्कुल ही फिनिश है, इसमें टाइम भी फिक्स हो गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसमें पत्ते भी बन गए हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब। ये अगर आप सीखना चाहते हैं तो डायरेक्ट इस वीडियो के साथ में एक लिंक आपको मिल रहा होगा। ठीक है ना, इस लिंक के जरिए आप डायरेक्ट जाइए हमारे ग्रुप में, इसके बारे में जो भी जानकारी चाहिए आप इस ग्रुप में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, ये देखिए कितना ही सुंदर ये बना है, अलग अलग इसमें फ्लावर है। तो इसकी जो है क्लासेज हम लेकर आए हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इससे जुड़ के आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस दिन हुआ था कि ये इससे पत्ते बने नहीं थे, है ना, तो आज हमने ये पत्ते भी बना दिए हैं। इसकी जो टाइमिंग का है वो भी मैंने कर दिया है कि आप इसमें टाइम आप तो देख सकते हैं। ये देखिए है ना, लाजवाब इम्बोज, ये देखिए ये इम्बोज इतना है टोटल, आपको दिखाते हैं। और इसकी फीस मैंने बिल्कुल ही सस्ता रखा है, और आपको बताना चाहेंगे हर जगह कुरियर जा रहा है, चाहे वो मुंबई हो, चाहे मद्रास हो, चाहे चेन्नई हो, सब जगह जा रहा है। हमारे कुछ स्टूडेंट का जो पार्सल है आसानी से मुंबई पहुंच गया है, दिक्कत वाली बात नहीं है, हर जगह पहुंच रहा है, आसाम से लेके हर स्टेट में जा रहा है। ठीक है, तो आप ये ज्वाइन करते हैं तो इसकी मटेरियल के बारे में आपको टोटल चीज आपको बताएंगे। ठीक है, इसका बेस कैसे बनाना है, इसका टेक्निक क्या है, और हम आपको इसमें तीन प्रकार के जो फ्लावर है वो बनाना हम आपको सिखाएंगे। अक्सर होता है क्या कि एक ही प्रकार के जो होता है ना रोज होता है, रोज बनाना आसान होता है। ठीक है ना, तो हम इसमें आपको तीन प्रकार के जो फ्लावर है वो बनाना आपको आपको सिखाएंगे। जैसे एक ही अलग हो गया, एक ही अलग हो गया, यहाँ पे और कोई लेंगे। ठीक है, यहाँ पे और कोई हम फ्लावर लेंगे और वो हम बनाना आपको सिखाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसकी फीस मैंने बिल्कुल ही कम करके रखा है, आप इसी वीडियो के साथ में इसका लिंक जा रहा है और उस लिंक के सहारे आप हमारे ग्रुप में जुड़ के आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए कितनी सुंदर, ये देखिए है ना। फीस उसकी जो भी आपको चाहिए आपको ग्रुप में आपको जानकारी मिल जाएगी, और इससे पहले मैंने परसों वाले वीडियो में मैंने इसके फीस के बारे में बताया था,
यही फीस है, मैंने इसमें ऐसा कुछ चेंजिंग नहीं किया है, ठीक है। ये देखिए इसमें घड़ी भी लग गया है और ये प्लाई बोर्ड है, ओके, ये प्लाई बोर्ड है, ठीक है। तो अगर आप विथ मटेरियल करना चाहते हैं तो विथ मटेरियल भी आपको ये दिया जाएगा, और विदाउट अगर चाहते हैं तो ये मटेरियल कहाँ पे मिलेगा ये भी जानकारी आपको दी जाएगी। आप ऑनलाइन कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है, ओके। ये देखिए है ना, अच्छा, बहुत ही सुंदर। और हम चाहते तो इसके बैकग्राउंड में ये टेक्सचर भी हम इसे कर सकते थे वो, लेकिन मैंने इसका बैकग्राउंड मैंने बिल्कुल प्लेन लिया है ताकि आप लोग को करने में आसानी हो, वो क्योंकि वो टेक्सचर अगर करते हैं तो उसकी मटेरियल भी ज़्यादा महंगा आता है, तो फिर वो और महंगा 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 हो जाएगा, ओके। इसलिए हम चाहते हैं कि आपको सस्ते से सस्ता में इस आर्ट के बारे में आपको अच्छी से अच्छी जानकारी आपको दे दें। ये रूपाली जी हमारे लिंक अभी शेयर कर रहे हैं, आप डायरेक्ट इस लिंक के जरिए आप हमारे व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें जाके आप जानकारी ले सकते हैं, फीस बिल्कुल ही कम है, ओके। तो अब हम वो दूसरे आर्ट वर्क पे हम काम शुरू करते हैं जो मैंने आपको बताया है, ओके। ये कोई भी कपड़ा अगर आप लेते हैं, कोई भी कपड़ा, ओके, चाहे वो कॉटन का हो, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, पानी दीजिए, हाँ, ये मटेरियल ये शायद 21-22 सौ के आसपास का आएगा, ठीक है ना। ये ब्रश है हमारे पास कुछ वाटर कलर का, तो आप ये मेरे पास यही है, मैं इसी से ही बनाऊंगा, ठीक है। और ये हमारे पास है प्लेट है, ओके। तो इसमें हम जो वो टेक्निक बताने जा रहे हैं वो पहले आप लोग ध्यान से सुनेंगे कि अब हम कोई इसके ऊपर कोई लाइन करते हैं, है ना, तो उसकी जो शेडिंग होता है ना उसको करना मुश्किल होता है, ओके। तो ये जो हम जो ट्रिक लेकर आए हैं इस टेक्निक से आप जो शेडिंग है बिल्कुल आसानी से और एक परफेक्ट वर्क आप कर सकते हैं, परफेक्ट वाली, ओके। तो अगर आपको परफेक्ट करना है, इस टेक्निक में काम करना है, तो आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप फैब्रिक कलर में अच्छा वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तीन कोना वाला स्केल लाइए और एक पेंसिल भी, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चाहे तो किसी फ्रेम के ऊपर में इसको वो करके आप कर सकते हैं, इसमें वो दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा पेंसिल को तेज कर लेते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट आप लोग करेंगे ज़रूर, इसलिए मैं आपके लिए ऐसे ऐसे आर्ट वो लेकर मैं आते रहता हूँ ताकि आपको अच्छा अच्छा कोई ये टेक्निक की जानकारी आपको मिलती रहे, और इन फ्यूचर में मैं ऐसे आर्ट आप लोग के लिए लेकर आता ही रहूँगा, ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि इसकी जो है ये यही, ठीक है, इसी को या ऐसे आपको दिखाना है ना, तो हम थोड़ा सा ऐसे थोड़ा से यादाश्त के तौर पे इसको लाइन हम कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने बनाया इसका कोना बनाया है, ओके, ये जो है कोना बनाया है, अब इस पर हमको वर्क करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले जो कलर हम इस्तेमाल हम करेंगे ना वो एक बड़ा वाला, ये नहीं चलेगा, वो हम पहले करेंगे। वेलकम श्रेया जी, वेलकम शिवा जी, वेलकम प्रवीणा जी, आप लोग हमारे लाइव पे आए हैं, आपका हार्दिक स्वागत है,
और कृपया करके एक बार हमारे वीडियो को शेयर आप लोग जरूर करेंगे, ठीक है। ये हमने बड़ा प्लेट लिया है और इसमें हमें करना है क्या कि ये लाल है, ये थोड़ा सा हम लाल कलर इसके ऊपर डालेंगे। ओके, गिलास में पानी भी डाल दीजिए थोड़ा। हाँ, तो हम इसको सबसे पहले, ये आप देखेंगे, सबसे पहले हम इसको गीला करेंगे। ओके, तो हमने स्पंज में ये पानी लिया, ठीक है, और इसको मैं गीला मैं कर रहा हूँ। अगर आपके पास अगर स्प्रे है तो वो भी चलेगा, ठीक है, स्प्रे है तो वो भी चलेगा, स्प्रे वाला से ऐसे ऐसे मारेंगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। अब आप ये बोलेंगे कि इसको डायरेक्ट प्लाई के ऊपर चिपका के भी है तो ऐसा हम कर सकते थे, है ना, तो उसका भी रीजन हम बताएंगे कि उसको करने में क्या दिक्कत होगा। ये देखिए, ये मैंने इसको मैंने भिगा दिया और आपको बताना चाहेंगे कि हमने जो पेंसिल का जो निशान लगाया था वो गुम हो गया, ठीक है, तो उसके लिए मुश्किल नहीं है। अब थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं कि ये गीला हुआ कि नहीं हुआ। ओके, ये हो गया, बिल्कुल आसान ट्रिक है ये और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, आप लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है ना। और इस टेक्निक से आप, तो इसमें हम कुछ ऐसा ये देखिए, मैं वही जो कलर जो लगाया गया है मैं वही, वेलकम अंजू जी, वेलकम इमराना शहीद, ये देखिए। अब इसमें थोड़ा सा हम इसको सूखने देंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, वो क्योंकि थोड़ा सा ये ज़्यादा इसके ऊपर पानी आ गया ना तो थोड़ा सा वो बना लेगा अपना वो। कपड़ा दे दिए, वेलकम मनीषा, ये देखिए। अब इसके ऊपर हमको थोड़ा सा, मैंने इस पेंट में पानी मिक्स नहीं किया, ओके, ये डायरेक्ट हमारा लाल कलर है। अगर आप चाहें तो मैं डायरेक्ट इससे भी आपको दिखाने के लिए मैं इससे ही काम करूंगा, ठीक है। तो को थोड़ा सा ये देखिए, ये फैल जा रहा है, ओके, और इसको इसको फैलना ही हमारी इसकी एक टेक्निक है, इसको हम फैलाना ही चाहते हैं, ओके। ये आप देखेंगे कि ये फैल रहा है, ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है ये, और इससे आप जो है ना बढ़िया वाला वर्क आप लास्ट तक बने रहेंगे, इसका जो लास्ट का इफेक्ट है वो भी हम आपको दिखाएंगे, ओके। ठीक है ना, वीडियो को एक बार आप लोग शेयर आप लोग जरूर करेंगे,
ताकि जो अभी नए आए हैं उनको भी अच्छी जानकारी मिल सके। देखेंगे कि ये सब ये फैल रहा है, वो फैलने की वजह यही है कि इसके अंदर में जो मैंने लगाया है आपको आ रहा है, नज़र तो आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा ग्रीन, वेलकम हिमा जी। वीडियो आप सभी को दिख रहा है, फैब्रिक कलर, फैब्रिक कलर ही है। ठीक है, यहाँ सब यहाँ पे रखने में रखेंगे ना तो वो उसके ऊपर गिर सकता है ये, इसलिए मैंने ये इधर हमने साइड में हमने रखा है कलर को। ठीक है,
हल्के हाथ से आपको ये करना है। ओके, अब ये थोड़ा सा सूखेगा। पूछना है तो आप पूछ सकते हैं इसके बारे में। ये कोई भी एक कपड़ा आपको लेना है। अभी मैंने ये जो लगाया है इसमें, तो वह क्या कि ये जो कलर है वो फैल गया है, ठीक है ना, और इसको हमको फैलाना ही था। अब इसके ऊपर में जो हम जो सूखा कलर जब हम चलाएंगे इसके ऊपर जो वर्क करेंगे, तो ये जो फैल गया है वो एक इस शेडिंग का काम करेगा। ओके, वाटर मिक्स करने से कलर निकल जाता है ऐसा तो नहीं है मीनाक्षी मनदीप जी? निकलेगा नहीं वो, क्योंकि ये फैब्रिक कलर है, ठीक है, वाटर बेस होता है वो, लेकिन लगने के बाद खैर निकलता नहीं है। आप देखेंगे कि ये फैब्रिक ही है। ओके, तो ये निकलता नहीं है, डोंट वरी। ओके, तो इसको थोड़ा सा हम सूखने देते हैं, थोड़ा सा यानी 5-7 मिनट, ठीक है। और उससे पहले एक बार और हम आपको अपने ये वॉच है इससे आपको मिलवाते हैं। ये जिनको ये आर्ट सीखना है, बनाने का टेक्निक हर चीज़ हम आपको बताएंगे, तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के साथ में एक लिंक आपको मिलेगा। इस लिंक के सहारे आप डायरेक्ट हमारे ग्रुप में जुड़िए और इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी आप ले सकते हैं। ओके, इसकी फीस भी कम है और देखिए इसमें वर्क कितना अच्छा है, आप देख सकते हैं एक एक चीज इम्बोज में है, ये देखिए उभरा हुआ है ना, रियल में लग रहा है ना कि ये है। ये देखिए पत्ते इधर भी आइए, ये देखिए ये भी है, तो ये चीज है। ओके, तो आप डायरेक्ट इस लिंक के सहारे जुड़ के आप जा सकते हैं। ये देखिए कि अब ये इसके ऊपर हम फाइनल वर्क करने वाले हैं, ठीक है। यानी कोई भी अगर पत्ता अगर आपको बनाना है, कोई अगर अलग सा शेडिंग अगर आपको देना है, तो आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। वेलकम कंचन जी, के लिए हम सबसे पहले ये रेड जो कलर है ये हम लेते हैं, ठीक है। अभी भी थोड़ा सा ये
गीला है, लेकिन मुश्किल नहीं है। ये देखेंगे कि फूल कितना अच्छा बन रहा है, उसी प्रकार अब हम इसमें आते हैं। इसमें एक है कि आपके जो मिक्सिंग आएगा ना, बहुत ही अच्छा आता है वो मिक्स है ना, वो काफ़ी अच्छा से वो मिक्स करता है। इसमें आपको कलर फैलाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक ही अपने आप ये फैलेगा। एक्रिलिक कलर ये कपड़ा के लिए फैब्रिक कलर ही बेस्ट होता है, ठीक है। तो हम आपको कपड़ा पे वर्क करने के लिए एक्रिलिक कलर हम आपको बोलेंगे नहीं, अगर आप वर्क अगर करना चाहते हैं तो अब आप ये देखेंगे कि ये हमने हल्का सा इसमें वर्क किया है, मिक्सिंग कितना अच्छा आया है। ये देखिए कि आपस में ये जो कलर है ना वो फैल के आया है ना, ये इसमें ऑटोमेटिक वो फैल कर आया है। तो आप इसमें बड़े से बड़े फ्लावर अपने हिसाब से आप कोशिश कीजिए कि जो चीज़ आप बना रहे हैं ना, पहले उसकी आप वो कर लीजिए, ड्राइंग कर लीजिए। और ड्राइंग करने के बाद और आप उसमें करेंगे क्या कि स्प्रे आता है वो पानी वाला, उसका आप यूज आप कर सकते हैं। अब ये आइए, अब ये हम इसमें डायरेक्ट ये फैब्रिक कलर ही हम इस्तेमाल इसमें हम कर रहे हैं। ये आपकी ये फाइनल लाइन है ना, जो ये अच्छी तरह से सूख जाए उसके बाद ही आपको करना है वो, नहीं तो ये अभी भी ये फैलेगा। और इस ट्रिक से आप अपने पेंटिंग में एक शेडिंग वाला चक्कर है ना वो आप खत्म आप कर सकते हैं। Thank you.
अभी इसमें ये वाला पार्ट थोड़ा सा ये गीला है, इसलिए यहाँ भी वो करने पे थोड़ा सा फैल जा रहा है। तो आप लोग ऐसा करेंगे क्या कि थोड़ा सा सूख जाए तो ही इसको आप करेंगे, और वो जब करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो आप लोग को दिख रहा है वैसे? हाँ दिख तो रहा है। वेलकम काकू जी, हल्के हल्के हाथ से आपको ये वेलकम मोनिका जी, अब दिखाते हैं थोड़ा आप लोगों को पास से, ठीक है? और हाँ काजू जी, आपने मिरर आर्ट ज्वाइन किया है, ये आप देखेंगे इसके पत्ते के अंदर में आप देखेंगे कि जो हमने जो फैलाया था ना वो एक शेडिंग की तरह दिख रहा है। वही हाल इस फ्लावर के अंदर में भी है। जब वैसे आप करते हैं ना तो उसको फैलाना मुश्किल होता है। ओके, ये देखिए, ऐसा है। हम आपको बताना चाहेंगे जो फैब्रिक कलर है वो कलर कलर होता है, और कोई भी जो फैब्रिक में कलर इस्तेमाल होता है, चाहे डाई वाला हो चाहे कोई वाला हो, कोई भी पक्का नहीं होता है। अगर एडिडास का अगर कोई शर्ट भी करते हैं उसका भी जो कलर है एक आध बार वाश करने के बाद वो निकलता ही निकलता है। तो ऐसा कोई जो फैब्रिक कलर परमानेंटली नहीं आया है जो जीवन भर रहे। ओके, ठीक है, तो निकलता ही निकलता है। आप चाहे वो किसी भी कंपनी का लाइए, तो उसी प्रकार ये कपड़ा है। कपड़ा के ऊपर आप कोई भी कलर आप लगाते हैं तो उसमें से कलर निकलेगा ही निकलेगा। वो कोई जल्दी निकल जाए तो कोई लेट से निकलेगा, निकलेगा जरूर, ठीक है ना। ये इसकी शेडिंग देखिए, है ना, हल्का लाइट डार्क, लाइट डार्क, है ना। तो आप ऐसे कुछ अपने आप जो बॉर्डर अगर कर रहे हैं, फ्लावर कर रहे हैं, तो उसमें इस टेक्निक का इस्तेमाल करके इसका वर्क आप कर सकते हैं। और ये काफी अच्छा, अगर आप बनाते हैं बॉर्डर बनाते हैं तो बॉर्डर पे
ऐसे पत्ते उत्ते हल्का सा बना के और उसके ऊपर में आप फाइनली अगर लाइन अगर करेंगे ना तो ये एक एंटिक लुक और एक उसमें वेरिएशन वो दिखेगा कि हाँ ये आ रहा है। और ऐसे हम लोग करते हैं क्या कि फैब्रिक में डायरेक्ट पेंट उठाया और उसको लाइन करना शुरू करते हैं, तो जब लाइन करते हैं तो ये कुछ इस टाइप का आता है, वो भी हम आपको बताते हैं। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट अगर कुछ लाइन करते हैं तो यहाँ भी हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं इफेक्ट। एक तो चलता है सूखा सूखा, है ना, आप अधिक से अधिक ये पत्ते आप बनाएंगे ऐसे ऐसे, है ना, ये वाला। तो ये एक ये देखिए, ये आपको नेचुरल लुक आपको नहीं देगा, जो इसमें आपको नेचुरल लुक देगा। अब इसी में थोड़ा सा अगर हम ये पानी अगर हम डाल देते हैं थोड़ा सा, तो आप देखेंगे कि इसमें एक अलग ही एक वेरिएशन आ जाएगा। हम येलो कलर में हल्का सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा यहाँ पे रखेंगे। ओहो, इसके साइड में आ गया। तो ये देखिए, अब इसमें थोड़ा सा हमने ये पानी डाल के मैंने किया है, थोड़ा सा इसमें नेचुरल लुक आ गया। ओके, हाँ, अगर और ये टेक्निक कोई बड़ी बात नहीं है, वाटर कलर के में यही टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। वाटर कलर में जब हम काम करते हैं आर्टिस्ट कलर में, ओके, वाटर कलर में, तो इसी टेक्निक का इस्तेमाल होता है कि पहले जो पेपर होता है उसको भिगा दिया जाता है वो। लेकिन बहुत से आर्टिस्ट लोग करते हैं क्या कि वो पेपर को सामने भिगाते नहीं हैं, ठीक है ना, वो इधर से ऐसे से मार देंगे और वो उस पर हल्का सा उस पर कलर चलाते हैं तो फैल जाता है वो, ठीक है। तो उसमें वाटर कलर में कोई भी कलर आप दो कलर रख के मिक्स नहीं करेंगे, वो उस पर होता है क्या कि उसके ऊपर पानी के छींटे मार के वो कलर को बस वहाँ पर रख दिया जाता है, जहाँ पर बारीकी काम होता है वहाँ पे उसको ब्रश से वर्क किया जाता है, ठीक है, तो उसको गीला करके किया जाता है। ओके, तो आप देखेंगे कि इसमें ये लाइट का भी आ रहा है शेडिंग, डार्क का भी आ रहा है ना, तो वो जो पीछे वाला आ रहा है लाइट का एक अच्छा लुक दे रहा है वो, है ना। नहीं, आपको कपड़ा वाश नहीं करना है, आपको करना है क्या कि जो एरिया में अगर आप बनाना चाहते हैं, अगर बड़ा वो चीज़ है तो आप चाहें तो उसका लकड़ी का है फ्रेम है उसके ऊपर भी उसको आप कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको डायरेक्ट अगर प्लाई के ऊपर अगर आप चिपका के करते हैं, एक मिनट आप दिखाते हैं तो उसमें दिक्कत क्या होगा हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल आपको करना है तो हम आपको बताते हैं। ये है MDF प्लाई, ओके, है ना। अब अगर आप चाहेंगे कि इस कपड़ा को हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लगा देते हैं, ठीक है, हमने लगा दिया या चिपका दिया, ओके, ठीक है, लगा दिया या हमने इसको साइड से मैंने इसको पिन के सहारे टेप के सहारे इसको मैंने चिपका दिया। तो इसमें होता है क्या कि आप वो जैसे ही इसके ऊपर पानी आप डालेंगे, ओके, ये हमने इसके ऊपर हमने पानी डाल दिया, ठीक है, ये हमने डाल दिया। तो अब इसमें दिक्कत होगी क्या, वो हम आपको बता रहे हैं कि जैसे ही इसके ऊपर आप अगर कलर डालेंगे, ओके,
तो जो नीचे वाला बेस है वो तो गीला रहेगा रहेगा और ऊपर वाला भी गीला है। तो जैसे ही इसके ऊपर आप कलर अप्लाई करेंगे तो होगा क्या कि जो नीचे वाला कलर है वो जो नमी है ऊपर कलर डालने पे वो नीचे भी चला जाएगा। जब वो नीचे चला जाएगा तो आप उसको अगर फैलाना चाहेंगे कि इस शेप में फैले तो एक बार हम डेमो दिखा देते हैं आपको, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी अभी मेरे पास ये है ही है ना, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, बता दे से अच्छा है कि आपको बता देते हैं, है ना। तो ये गीला हो चुका है, अब ये हमने इसके ऊपर किया, ठीक है, ओके। आपको दिख रहा है, थोड़ा सा आगे करो ना, ये हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे इसमें होगा क्या कि वो कलर है बराबर में एक जगह नहीं आएगा। आप साड़ी पे भी कर सकते हैं, वो है ना, इस पे कलर एक बराबर में वो नहीं फैलेगा, वो कहीं पे कम और कहीं पे ज़्यादा। उसकी वजह यही है कि नीचे भी इसके अंदर में जो कलर है वो चला गया है, ठीक है, इसलिए ये बराबर में नहीं फैलेगा, नहीं ये बराबर में नहीं फैलेगा, ओके, बराबर में ये नहीं फैलेगा। जब बराबर में नहीं फैलेगा तो आपका जो है शेडिंग है आप वो चाहते हैं वो फिर ठीक नहीं आएगा। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि ऐसा वर्क करने के लिए आपके पास अगर कोई फ्रेम हो उसके ऊपर आप इसको अलग अलग पार्ट में, छोटा छोटा पार्ट में इसको आप कर सकते हैं, है ना, ये आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। यूज करते स्क्रीन पेंटिंग वाले कलर क्या यूज करते हैं? स्क्रीन पेंटिंग वाला कलर अलग होता है भैया जी, मनदीप कौर, स्क्रीन प्रिंटिंग वाला कलर अलग होता है, ठीक है। हाँ, स्क्रीन प्रिंटर जो जाली यूज करते हैं, जो फ्रेम होता है वो आप ला सकते हैं, उसको आप साइड से खींच के वो कर सकते हैं। इसमें यही फायदा है कि जब इसको हम नमी करते हैं तो जो पानी है इसी के अंदर पे ही रहता है, ऊपर ही रहता है, क्योंकि ये ऐसा है कहीं से निकलने का चांसेस नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये इसी के ऊपर रहेगा। तो आप अगर फैब्रिक कलर में कोई अगर फ्लावर बना रहे हैं उसकी शेडिंग दे रहे हैं तो आप ज़रूरी नहीं है कि पूरे पे पहले पानी आप फैला दीजिए, ठीक है ना। अब ये मान लीजिए कि हम यहाँ पे मैंने ड्राइंग किया, ओके, तो आप यहाँ पे हल्का सा इसको नम कर सकते हैं और फिर यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ, इसको करने के लिए आपको ज़्यादा ना फैले, यानी जिस पत्ता में कर रहे हैं अगर उस पर आप ज़्यादा इंक लगा देंगे तो वो ज़्यादा फैल जाएगा ना। तो इसका आपको ध्यान वो देना है कि जब भी आप करेंगे तो वो थोड़ा सा में लेके आपको करना है, ठीक है, ज़्यादा इंक नहीं लेना है, यानी ज़्यादा कलर नहीं लेना है। वो ज़्यादा लेंगे तो पत्ता आपको इतना बड़ा चाहिए और उसमें अधिक लग गया तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो आप कोशिश कीजिए कि जितना बड़ा पत्ता बना रहे हैं उससे छोटे के अंदर में ही वो फैले, ठीक है, उसके छोटे के अंदर में ही फैलेगा, तब जाकर उसकी जो साइड वाला आउटलेट आप करेंगे तो उसके अंदर में आएगा तो एक बढ़िया लुक देगा, एकदम लगेगा कि हाँ रियल पत्ता बना है ये देखिए। कौन सा ब्रांड पेंट ब्रश अच्छा है? ये किसी भी ब्रांड का वाटर कलर का जो ब्रश आता है उसका आप इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वो सब अच्छे होते हैं, ठीक है। और अभी जो लोग आए हैं अगर हमारा ये शीशा अगर सीखना चाहते हैं, नहीं वाच सीखना चाहते हैं, रशियन आर्ट, स्कल्पचर पेस्ट आर्ट, तो ये ज्वाइन करके आप सीख सकते हैं। ये हमारे हाथ का बनाया हुआ है और मैं वही सब्जेक्ट लेकर आता हूँ जो मैं खुद बनाता हूँ, ओके, मैं वही सब्जेक्ट लेकर आता हूँ जो मैं खुद बनाता हूँ। इंटरनेट वाला बात नहीं है कि इंटरनेट से बढ़िया सा सुंदर फोटो आपको दिखा दिया, ललचा दिया और आपको ज्वाइन करवा लिया, जब बनाने की बारी आई तो हमसे तो बना ही नहीं, तो आपसे तो बनेगा ही नहीं, है ना। तो ऐसा हम नहीं करते हैं, जो हम
लेकर आते हैं, बनाते हैं उसी के लिए। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा है, इसमें घड़ी भी है ना, मजेदार। तो आप अगर ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के साथ में इसका ग्रुप का लिंक है, आप उसको सीधा सा ऐसे टच करके आप सीधा हमारे ग्रुप में जा सकते हैं। रोज बना दीजिए सर जी, रोज आप ज्वाइन कीजिए तो हम आपको रोज भी बनाना सिखाएंगे, सनफ्लावर भी आपको सिखा देंगे, और भी अगर कोई फ्लावर बोलेंगे तो वो भी आपको बता देंगे वो, क्योंकि आपको बताना चाहेंगे गीता जी वेलकम। रोज बनाना बिल्कुल आसान है, ठीक है, रोज बनाना बिल्कुल आसान है वो, लेकिन रोज के अलावा कोई दूसरा अगर 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 फ्लावर बनाना है तो वो हम आपको सिखाएंगे अपने क्लास में, ठीक है। कैन आई होम वॉज दिस पेंटेड क्लॉथ, ऐसा है ये मैंने ये जो कपड़ा है मैंने वैसे ही आपको सिखाने के लिए मैंने ये ले लिया था, ऐसा कुछ नहीं है। वो फैब्रिक कलर तो आप किसी भी कपड़ा पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि वो फैब्रिक कलर परमानेंट ताव उमड़ रहा है तो ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी कपड़ा का कलर नहीं आता है, यहाँ तक कि जो डाई होकर भी आता है उसका भी कलर निकलता है, जो सच्चाई है, ओके। इसीलिए हम लोग जो कपड़े पहनते हैं नीला पहने हैं, 4 महीने के बाद वो स्काई ब्लू हो जाता है ना, तो वजह यही है कि इसका कोई परमानेंटली कलर नहीं आता है, ठीक है। तो आप ज्वाइन कीजिए हमारे इस वॉच को और अच्छा वर्क आप सीखिए, हम चाहते हैं कि आप बढ़िया से वर्क सीखे। कोई फीस है, इसकी फीस है, आप ग्रुप में जाइए, आपको हमने फीस बिल्कुल रिजनेबल रखा है और आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के बाद मटेरियल अगर हमसे लेना चाहते हैं तो वो भी हम देंगे, अगर मटेरियल नहीं चाहिए तो जहाँ से ये मटेरियल मिलता है उसका हम आपको एड्रेस बता देंगे, फ़ोन नंबर बता देंगे, लिंक बता देंगे, आप डायरेक्ट इसको परचेज कीजिए, ठीक है। ये झंझट ही नहीं है कि मैं आपको मटेरियल भेजूँ, ठीक है। अब बाकी ऑल ओवर इंडिया में सब जगह कुरियर जा रहा है, ओके, वो क्योंकि हमारी और भी दो क्लासेज है, एक तो बुद्धा की चल रही है और एक जो मिरर आर्ट की है वो भी एक दो दिन में चालू होने वाली है। डॉक्टर रूपाली जी हमारे लिंक को शेयर कर रही हैं, डायरेक्ट उसको दबाइए और वहाँ पे जाइए, ओके। अब बाकी हमारा ट्रिक आपको कैसा लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इन फ्यूचर हम ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे ट्रिक हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे कि ताकि आपको उससे फ़ायदा हो, आप आर्ट तो करते हैं लेकिन उसको थोड़ा सा नया जानकारी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और हम यही चाहते हैं कि आपको उसी हॉबी आर्ट में नए टेक्निक से आपको हम बता दें, वो जैसे मैंने पिछली बार मैंने सिखाया था ये वाला डिको पेज है ना, डिको पेज हमने ये लुकिंग मिरर के पीछे में मैंने चिपकाया था, लुकिंग मिरर के पीछे में चिपकाया था ये, है ना। तो ये भी एक इनोवेटिव चीज़ है ये, ओके। और इसको रिंकल ना आए उसके बारे में भी हम आप लोग को बताए थे, क्योंकि डिको पेज में अक्सर होता है क्या कि आप नए हैं और उसको अगर आप कर रहे हैं तो चिपकाते टाइम में उसमें रिंकल आ जाता है, तो रिंकल को ख़त्म करने का भी हम आपको तरीका बताए थे कि उस ग्लू में कितना पानी मिक्स करना है, और ये सब मैं अपनी एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बचपन से ही मैं इसी फील्ड में रहा हूँ, ठीक है। और हमको इतना तजुर्बा है कि जो हम वर्क कर रहे हैं तो उसको किस तरह से उसको अप्लाई करें कि और अच्छा होके, है ना, तो वही हम बताते हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि मैं दुनिया की किसी भी तरह का मैं पेंटिंग मैं बना लेता हूं और आने वाला टाइम में ऐसे ऐसे आर्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी यही है हमारा स्कल्पचर पेस्ट आर्ट, ये देखिए है ना, इसके पीछे में हम चाहते तो जो आता है ना जो क्रैकर इफेक्ट वो डाल सकते थे वो, लेकिन वो फिर वो कॉस्टली आता है, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। अपना कोई फैब्रिक का और कोई वर्क दिखाइए, आपको बताना चाहेंगे कि मैंने फैब्रिक पे जितने भी वर्क किया है मैंने ऑर्डर बेस पे काम किया है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं फैब्रिक ही कलर
के वर्क करता हूँ, नहीं मैं सभी तरह के जो कलर है आर्ट में मैं वर्क करता हूँ, इसलिए हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्डर पे मैंने काम किया और आगे मैंने उसको दे दिया। हाँ, ऑनलाइन में जब से आया हूँ आप लोग इतनी वो कर रहे हैं, तभी आप ही के सामने मैंने ये बुद्धा भी बनाया था, आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये बुद्धा है म्यूरल में, है ना, है ना। हाँ, हमारा फोन नंबर हमारे पेज पे जाएंगे मिल जाएगा, 9891333339। तो ये मैंने ऑनलाइन ही आके मैंने एक दो क्लास मैंने इसका तो मैंने बताया था, बाकी मैंने ऑफलाइन में इसको बनाया था और इसी की जो क्लासेज हमारी चल रही है आप देखेंगे। इसको बोलते हैं रियल बुद्धा, ठीक है ना, रियल एकदम आर्ट। ये नहीं कि हम उसको बेढंग से बना दिए, नाक कहाँ जा रहा है, आँख कहाँ जा रहा है, तो ये इसको आर्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। आर्ट का मतलब है कि उसको अच्छा से उसको बनाना, इसीलिए अच्छा वर्क करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और आप लोग को भी हम यही कहेंगे कि आप लोग अगर स्टार्टिंग में है तो अपने आर्ट में जितना ज़्यादा हो सके टाइम लगाइए। वो टाइम लगाने से होगा क्या कि एक आपको एक्सपीरियंस मिलेगा आपको काम करने में, जब उसको एक्सपीरियंस जब मिल जाएगा ना तो स्पीड तो आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा, स्पीड आपको लगेगा कि नहीं ये पेंटिंग को मैं 3 दिन में बना सकता हूँ, तो आप उसको स्पीड में भी आप उसको करके कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक्सपीरियंस होना जरूरी है, नॉलेज होना जरूरी है। नॉलेज है नहीं या फटाफट कर रहे हैं तो काम तो बिगड़ेगा। ओके, तो इसीलिए मैं छोटे छोटे जो ट्रिक है आपके लिए लेकर आता हूँ और आगे भी आता रहूँगा, ताकि आप लोग को अपने आर्ट में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सके और अपना आर्ट को सुंदर बना सके। तो नेक्स्ट टाइम हम आपके लिए और कोई सब्जेक्ट फिर हम चुनते हैं और उस पर फिर हम वर्क करेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं और आपसे नेक्स्ट का ये दिन में हम लाइव आते हैं और लाइव आकर कोई नए आर्ट ट्रिक पे हम बात करेंगे। और हम आर्ट ट्रिक जो भी लाते हैं आप आपके नज़र में तो होता है, आपके पास ये कलर भी है सब कुछ है वो, लेकिन जो थोड़ी सी जो ट्रिक है वो थोड़ा सा आप मिस कर जाते हैं क्योंकि उसकी जानकारी आपको नहीं रहती है, ठीक है। तो उसी में हम ऐसे ट्रिक लेकर आते हैं कि आपको उस आर्ट में और अच्छा से उसको कर सके। ये हमारी यही है मंशा कि आप लोग को छोटे से आर्ट में अच्छा अच्छा आपको सिखाए और आने वाले टाइम में हम बड़े बड़े ट्रिक पे भी काम करेंगे और बड़े बड़े आर्ट लेकर आएंगे। ये तो खैर ये छोटा मोटा है और हमें खुशी है कि मैं लॉकडाउन में आपके लिए कुछ आर्ट लेकर आ रहा हूँ जो आपको हम सिखा रहा हूँ, और आप भी इस पर इंजॉय कीजिए और अच्छा से वर्क कीजिए और सीखिए। अच्छे जो गुरु हैं उनका आप फॉलो कीजिए और उनसे आप सीखिए, जो बहुत से अच्छे अच्छे गुरु हैं इस प्लेटफॉर्म पे, है ना, उनको आप फॉलो करके उनसे काम सीख सकते हैं। हाँ, जो सच्चे लोग हैं उसके साथ में, झूठे वाले के साथ में नहीं, है ना। वो क्योंकि आप स्टूडेंट है, स्टूडेंट अगर अच्छे टीचर के पास जाता है तो अच्छा नॉलेज मिलता है, अच्छा ज्ञान मिलता है। झूठे से मैं किसी के ग्रुप में जाके अपना लिंक छोड़कर आ जाऊँ, उसको बाला पुतला के लाऊँ, आ जाओ हम तुमको सस्ते में सिखाएंगे, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ वाली बात हो जाएगी, है ना। हम भी चाहे तो बढ़िया बढ़िया इंटरनेट से फोटो आपको खींच के निकाल कर डाउनलोड करके आपको दिखा सकता हूँ कि ये देखिए ये ज्वाइन कीजिए, है ना। तो ये अच्छा बात नहीं है, आप जो खुद वर्क करते हैं उसी को लोग आप दिखाइए और उसी पे स्टूडेंट को बोलिए कि वो ज्वाइन करे और आपसे सीखे, वो फिर ज़्यादा अच्छा रहता है ना। उससे वर्क का पता चलता है कि हम कैसे सीखने वाले हैं। अभी यही मैंने बनाया था तो लोगों का ये था कि सर इसे पत्ते तो बने नहीं है, इसको फाइनल करके दिखाइए, तो मैंने फाइनल करके आपके सामने मैंने दिखाया है, है ना, कि ये हमारा है, है ना। इसमें टाइम भी चल रहा है, हर चीज चल रहा है, है ना। तो ये है कि बनने के बाद ये हमारा ऐसा होगा। वैसे ही मिरर ये भी साथ में था कि मिरर कैसा होगा, अपने तो ड्राइंग तो दिखा रहा है इसलिए मैंने मिरर बना के दिखाया। अभी नेक्स्ट अभी सब्जेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, वो जब बन जाएगा तो हम आपके लिए लेकर आ जाएंगे कि ये हम लेकर आ रहे हैं और वो भी अच्छा ही होगा। तो ऐसे हम लाने का तो इंटरनेट वाला रोज नया नया ऑफर हम लेकर आ सकते हैं,
तो ऐसा नहीं है, हमारा मानना है कि मुश्किल से 3 क्लासेज 4 क्लासेज महीना में ढेर होता है, इससे ज़्यादा का मतलब है कि माथा पची, ठीक है ना। कोई गुरु जी इतने टेंशन में लेकर सिखा नहीं सकते हैं, ठीक है। रितिमा जी आप हमारा नंबर नोट करें 9891338339। अगर लिंक ओपन नहीं हो रहा है तो हो सकता है इस वीडियो में अभी बंद होने के बाद वो आ जाए। अंजलि अरोरा जी, तंजौर का गोल्ड फॉयल कहाँ मिलेगा? आप गोल्ड फॉयल कहाँ मिलेगा जहाँ इसकी जानकारी मिली है वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं अंजलि जी, ऐसा कुछ नहीं है। गोल्ड स्टोन हर जगह मिल जाता है, बस वो गुरु जी बता दें कि यहाँ पे मिलता है तो मिल जाता है। तो आप लोग अच्छा से वर्क अपना सीखिए और अच्छा से काम, यहाँ ये कि ये सब वर्क को करने में टाइम लगता है और आप लोग इतने देर से वीडियो देखते हैं, इससे यही मालूम चलता है कि आप लोग पक्का वाले आर्ट लवर हैं। और इसको ज़िंदा रखिए ताकि इन फ्यूचर में इससे आप इनकम भी कर सकें। आप वो बोतल आर्ट पे मत जाइए, वो बच्चे वो तो आप कीजिए, उसके ऊपर भी जाइए, आप उसके ऊपर में और काम सीखिए। आप काम सीखेंगे तो उससे आप अर्न भी करेंगे, है ना। अब हम यहाँ पे आके हम जो स्टूडेंट सबको हम सिखा रहे हैं बता रहे हैं, इससे ऐसा नहीं कि हमारा ज्ञान खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम मानते नहीं हैं लोग अपनी किस्मत से कमाएगा, मैं अपनी किस्मत से कमाऊंगा, ठीक है, इसमें वो वाली बात नहीं है। ओके, तो आज खाली हम यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।